के बाद उसमें क्या डाले हम, अब क्या डाले जीरा के बाद लहसुन, लहसुन का पेस्ट के बाद क्या डाले हो, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी छिल रहे हो, चलो ठीक है गोभी डाल दिए, ठीक है गोभी डाल दिए, उसके बाद चला ना भाई वो क्या डाल, मचा डाले हो, ठीक है ये हरी मिर्च आ गई इसमें, हरी मिर्च उसके बाद आप क्या डालोगे जल्दी करो, हाँ यहाँ अच्छे भैया को मिक्स कर रहे हैं इसको एकदम, साबुन डाल रहे हैं यहाँ पे, उबला साबुन पानी भिगो के बस इतना मिक्स कर ले रहे हैं भैया, उसको भी काट रहे हैं, काटने का स्टाइल भी लोग अलग होता है, हाँ देखिए आप लोग, हाँ ये देखिए हो गया भैया पूरा ले लिए और इतना मिक्स कर रहे हैं इसको, स्पाइसी बना रहे थोड़ा, हाँ ये मसाला लिए हैं, हल्दी लिए हैं, ये मसाला लिए हैं, थोड़ा सा अजीन मोटो ले लिए हैं और पूरा मिक्स कर रहे हैं, बढ़िया था यहाँ पे इसने राइस निकाला, एक स्पून लिया राइस और थोड़ा हाफ स्पून, हाफ स्पून राइस, डेढ़ स्पून राइस लिए हैं, बंद नमक डाल दिए मैंने थोड़ा तो मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह हो गया पूरा, जैसे कम कर दें जैसे खाना चाहिए एकदम बढ़िया, देखिए पूरा मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं राइस पूरा एकदम अच्छी तरह एकदम बढ़िया था, यहाँ पे चटनी डाल दिए शेजवान चटनी, इसे और स्पाइसी जाता है और पूरा एकदम मत में एकदम स्पाइसी कर दिए, क्या खाना चाहिए, हाँ यहाँ पे स्पाइसी करें बड़ा, यहाँ पर लगा बारिश आने वाली है थोड़ा जल्दी खोल देते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें धनिया डाल दें और थोड़ा स्वाद आएगा, भाई स्पाइसी हो गया, हाँ और ये मैंने पटल खाया तो थोड़ा सर्व करेंगे, ये देखिए राइस पूरा सर्व हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको आप खा लिया ना तो आपका पेट भर जाएगा, यहाँ पे देखो चटनी है, चटनी दे रहे हैं, देखिए राइस आप दे सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं राइस, चेजवान राइस।